हम सब जानते हैं कि पूजन कार्य में शंख का उपयोग महत्वपूर्ण होता है। लगभग सभी देवी देवताओं को शंख से जल चढ़ाया जाता है, लेकिन शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित माना गया है। आखिर क्यों शिवजी को शंख से जल अर्पित नहीं करते हैं? इस संबंध में शिव पुराण में एक कथा बताई गई है, जिसका हम यहाँ वर्णन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। शिव पुराण के अनुसार दैत्यराज दंभ को जब बहुत समय तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, तब उसने भगवान विष्णु के लिए कठिन तपस्या की। तब से प्रसन्न होकर विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वर मांगने के लिए कहा, तब दंभ ने तीनों लोकों के लिए अजय एक महापराक्रमी पुत्र का वर मांगा। श्रीहरि तथास्तु बोलकर अंतर्ध्यान हो गए। तब दंभ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम शंखचूड़ पड़ा। शंखचूड़ ने पुष्कर में ब्रह्मा जी के निमित्त घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने वर मांगने के लिए कहा, तब शंखचूड़ ने वर मांगा कि वो देवताओं के लिए अजय हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला और उसे श्री कृष्ण कवच दिया। साथ ही ब्रह्मा ने शंखचूड़ को धर्मध्वज की कन्या तुलसी से विवाह करने की आज्ञा दी। फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा की आज्ञा से तुलसी और शंखचूड़ का विवाह हो गया। ब्रह्मा और विष्णु के वरदान के मद में चूर दैत्यराज शंखचूड़ ने तीनों लोकों पर स्वामित्व स्थापित कर लिया। देवताओं ने त्रस्त होकर विष्णु से मदद मांगी, परंतु उन्होंने खुद दंभ को ऐसे पुत्र का वरदान दिया था, अतः उन्होंने शिव से प्रार्थना की। तब शिव ने देवताओं के दुख दूर करने का निश्चय किया और वे चल दिए। परंतु कृष्ण कवच और तुलसी के पतिव्रत धर्म की वजह से शिवजी भी उसका वध करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। तब विष्णु ने ब्राह्मण रूप बनाकर दैत्यराज से उसका श्री कृष्ण कवच दान में ले लिया। अब शिव ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया और उसकी हड्डियों से शंख का जन्म हुआ। क्योंकि शंखचूड़ विष्णु भक्त था, अतः लक्ष्मी विष्णु को शंख का जल अति प्रिय है और सभी देवताओं को शंख से जल चढ़ाने का विधान है। परंतु शिव ने उसका वध किया था, अतः शंख का जल शिव को निषेध बताया गया है। इसी वजह से शिवजी को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।